प्रधानमंत्री साहब का दौरा सी, पंजाब का उन्होंने फिरोजपुर दे विच आना सी, कुछ उद्घाटन ते नाल नाल उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली भी करनी सी। रास्ते दे विच वादा आउण करके वो वापस मुड़ा पिया, उस गल का सानू खेद है। आफ्टर ऑल वो देश के प्रधानमंत्री है, सरकारां मिलके चलदियां हमेशा। ऐसी अपने प्रधानमंत्री का पूरा सत्कार करते, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, चुनी हुई सरकारां है। साड़ी जिम्मेवारी है कि ऐसी अपने प्रधानमंत्री का सत्कार करिए, ते सानू पूरा सत्कार है। मैं आप उन्हां नू रिसीव करन ते उन्हां दे नाल रहना सी, पहला तो प्रोग्राम बनिया सी कि मैं उन्हां नू बठिंडे रिसीव करना है, उस तो बाद हेलीकॉप्टर दे विच मैं उन्हां दे नाल जाना सी, फिरोजपुर जाके उन्हां दे नाल एक मीटिंग भी अटेंड करनी सी, उस तो बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली करनी सी, उत्थे साडा जाण दा प्रोग्राम नहीं सी। ये बाद दे विच बनी है पॉलिटिकल रैली दी प्रोग्राम, लेकिन उन्हां दा पार्टी दा प्रोग्राम सी। लेकिन कल हर किसे नूं जिन्हें भी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं दे नेड़े जाना है, उन्हां नूं अपना कोरोना टेस्ट कराना पैंदा है। जदों कल मैं ते अपने दफ्तर दे बंदिआं दा जिन्हां ने मेरे नाल जाना सी उन्हां दा कोरोना टेस्ट कराया, तां मेरे हर टाइम नाल रहण वाले सरदार जी जिहड़े कि साडे प्रिंसिपल सैकटरी है, उह कोरोना पॉजिटिव आ गए। मेरा एक पीए हरी सिंह सरकारी तौर ते जिहड़ा साडे नाल है, उह कोरोना पॉजिटिव आ गया। इस करके मैं अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैनूं इस हालत दे विच जाना चाहीदा कि नहीं जाना चाहीदा, क्योंकि वह मेरे इन टच है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कीमती शख्सियत हुंदे है, उन्हां दे इन टच आना इस तरह जद कि मेरे इन टच दे विच कोरोना वाला बंदा आया हुआ है, जाना चाहीदा कि नहीं। मैं इस बारे राती अपनी कैबिनेट दे नाल दी राय मंगी, कैबिनेट ने मैनूं राय दित्ती कि सानू प्रधानमंत्री जी दे ऑफिस नूं दस देना चाहीदा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव दे टच विच आया, इस करके मैनूं आदेश दित्ते जाण कि मैं तुहाडा स्वागत करन ते पहुंचा कि ना पहुंचा। उत्थों सानू लिखती तौर ते आदेश आया व्हाट्सएप ते मैसेज कि हिमाचल ते हरियाणा दे मुख्यमंत्री भी बीसी दे जुड़ रहे, तुसीं भी बीसी दे जुड़ जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਚ ਨਾੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ, ਹਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਤਾਂਗੇ रैली दे विच सेफ तरीके नाल बंदे आण, असी इहदी पूरी कोशिश करांगे। ते असी रात नूं 3 बजे तक कोशिश करके जिन्ने भी किसान रैली ते सड़क बैठे सी उन्हां नूं उठाया। इहदे विच क्योंकि 5 दिनां तों केंद्र दीआं एजेंसियां आईबी एसपीजी प्रधानमंत्री दी जिहड़ी सिक्योरिटी है उन्हां दीआं टीमां उत्थे आके फिरोजपुर दे विच बैठियां है, वह आप हर चीज नूं मोनीटर कर रही है, उन्हां दा ही सारा प्रोग्राम उन्हां दे अंडर है, उत्थे दा सारा काम उन्हां ने संभालिया होया सी। इस लई उन्हां ने भी नाल मिलके साडे नाल पूरी कोशिश कीती। बीजेपी दे इक शिखावत जी है, उन्होंने किसानां दे नाल मीटिंगां कीतियां के रास्ते खाली करवा दिते जान। अल्टीमेटली रात नूं 2-3 बजे तक असी
सब लोग रास्ते खाली करा दिते। उदे विच रात नूं 1:30 बजे मैनूं टेलीफोन आया साडे चीफ सैकटरी दा कि जी जिहड़े एजुकेटर है ओ ये गरंटी सीएम ऑफिस वल्लों मंग रहे है कि जी असीं तां उठांगे सानूं प्राइम मिनिस्टर साहब तों गरंटी दवाई जावे कि ओ उहनां नाल मीटिंग करनगे। मैं उन्हां नूं कहा रात नूं प्राइम मिनिस्टर साहब नाल तां हो नहीं सकदी गरंटी, तुसीं मेरे ऑफिस वल्लों डीसी ते लिखा के दे दो कि असीं तुहानूं प्राइम मिनिस्टर साहब दा टाइम दवांगे, तुसीं रास्ते खाली कर दो। अल्टीमेटली रात नूं किसान मन गए, उन्होंने रास्ते खाली करते, सारे रास्ते समूथली चलन लग गए। उस तो बाद मैं रात नूं लगभग 2:45 बजे आईबी दे डायरेक्टर साहब नूं टेलीफोन कीता, बाई चांस उन्होंने चक्या नहीं। मैं डीजीपी नूं कहा कि उन्होंने मैनूं नंबर भेजो पहला, उन्होंने मैनूं नंबर भेजिया। मैं आप उन्होंने कॉल की, हालात बिलकुल क्लीयर हो गए हैं उन्होंने दसन वास्ते, उन्होंने उन्हां दी राय पूछन वास्ते, लेकिन उस समय वो चक नहीं सके। 3 बजे तक ये काम ऐसे कीता है। सवेरे लगभग 6:30 बजे मनु आईबी डायरेक्टर का टेलीफोन आया, पहला मैं नहीं चक सकिया। कुछ मिनटा बाद मैं उन्होंने कीता, उन्होंने नाल डिस्कस कीता, उन्होंने मनु दसिया कि रात सारा ठीक हो गया, सारी पुलिस ने बड़ी मदद की है, साडा डीजी भी कुछ सी, सारा कुछ ठीक होया। ये रास्ते ऐसी जिहड़ी रैली होनी सी उन्हां वास्ते करवाए सी, उन्हां दा ही प्रोग्राम, क्योंकि ताकि कोई रैली विच आउण वाले बंदे नूं असुविधा ना होवे। ऐसी जिहड़े किसान एजिटेशन कर रहे सी उन्हां तों उन्हां नूं ये भरोसा दे दित्ता सी कि आप जी नूं सारिआं नूं ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ 22 ਏਅਰ ਸੀ, 3 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ 'ਚ, ਦੂਜੇ 'ਚ, ਤੀਜੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੀਂਹ ਉੜੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ, ਇਸ ਲਈ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। 5:09:30 ਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, 10:25 ਤੇ ਏਅਰ ਅਰਾਈਵਲ ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ, 10:30 ਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਬਾਏ MI-17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, 11:05 ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਕਿਲਾ ਚੌਂਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ
सड़क दे राही लिजाया गया है। रास्ते दे विच अचानक कुछ एजिटेटर अजे पता लग रहा कि कौन बंदे सी आके बैठे है उन्होंने, लेकिन उन्हों तक तो काफी पिछे प्राइम मिनिस्टर साहब दी गड्डियां नूं रोक के साडे अफसरां ने रिक्वेस्ट की है कि अगे एजिटेशन बड़े बंदे कुछ आके ट्रालियां खड़ियां कर लिया उन्होंने, आपां नूं बेहतर है कि वापस जाके कोई होर आल्टरनेटिव रास्ता या हेलीपैड से चलिए आपां वापस जाना चाहिए। किसी तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नूं खतरे वाली गल सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजिटेशन पंजाब दे विच चोणा आ रही है, रोज मेरे नाल भी हुंदे है, हर स्टेट दे विच जदों चोणा होंदी है डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई ना कोई सड़क ते आके बैठ जांदा है, इहदे विच हो जांदा है। रात भी मेरे पुलिस वालिया ने मैनू कई बार टेलीफोन किए कि जी असीं लाठीचार्ज करके इन्हां नूं पासे कर दईए अरेस्ट कर लईए, मैं कहा नहीं नैगोशिएट करके मनाओ इन्हां नूं मनाओ किसी तरह भी। अल्टीमेटली असीं रात भी कामयाब होए आ उन्हां नूं पासे करने विच और मनाउण दे विच, इहदे विच खतरे वाली कोई गल नहीं होई। प्रधानमंत्री जी ते कोई हमला नहीं होया, ना ही इदां दी कोई सोच होई है। पहला भी किसान एजिटेशन दिल्ली दे विच एक साल चलिया, उत्ते भी किसान बैठे रहे, उन्हां दीआं भी कुछ मंगां सी जिहड़ियां साल बाद मन होईआं ते उन्हां ने पीसफुली उत्थों धरना चक लिया। अज भी जे कोई पीसफुल प्रोटेस्ट रास्ते दे विच करना आ गया तां इहदे इस नूं प्रधानमंत्री दी सिक्योरिटी दे नाल या उन्हां नूं कोई खतरे दे नाल नहीं जोड़िया जाणा चाहीदा। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैंसेज दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है, ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है, ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था, फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए उसको हटाने में 10-15-20 मिनट आधा घंटा लग जाता है, इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह भी किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज का खेद है, हमें पीड़ा है, हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें, ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं, मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था, मैं बीसी पे इंतजार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है, मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए, मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए, हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे है, आज से नहीं है, एक साल से है,
किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां या लाठियां नहीं चलाने वाला। प्यार से मैंने रात पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये है तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अभी तक कोई ऐसा घट नहीं है किसी तरह का। प्रधानमंत्री जी पे कोई खतरा नहीं सी। इस नोड़ मरोड़ के गल होर पासे ले जाने की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई ऐसा की गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट ओवर राष्ट्रपति राज लगा देना चाहिए। देखो अज नहीं तो चार दिन लगना ही है। मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साड़ी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल पे नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा हैं कि अननेसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल मसला है। एक साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे है यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर एक साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे? उन्होंने क्या ही ना करे किसी से अटैक किया? मैं अपने किसानों से किवें गोली चला दा? मैं उन्होंने किवें लाठियां मारा? मैं जब मैं प्यार ना ठाल सकता उन्होंने, रात को ठालिया ही है। मैनू रात भी होम मिनिस्टर साहब का टैलीफोन आया है कि जी बंदे सड़क पर आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो रुबाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकने वास्ते नहीं सी बैठे कोई। हो सकता वो एजिटेटर नू रोकने वास्ते बैठे हो, उत्थे तक ना गया ही कोई नहीं। यार कोई ऐसी गल नहीं है, किसानां दियां डिमांडां अजे कुछ खड़िया है। इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ, जम्मू कश्मीर और यहाँ कोल आने की प्रॉब्लम है। ऐसी उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके उन यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी है। ऐसी नहीं, ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सी, रोड तो जाने का। उन्होंने शायद हेलीकॉप्टर वाले ने कहा होगा कि बारिश ज़्यादा है या मौसम ज़्यादा खराब हो गया, इस करते रोड चले गया। अदरवाइज ये कोई सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं, कोई किसी तरह का खतरा नहीं सी। ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੁਣ, ਪੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਨੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਨੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਨੰਬਰ ਦੋ
ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ देखो गल ये है कि साडा तां उत्थे कंट्रोल ही इन्ना नहीं सी, मेन कंट्रोल एसपीजी आईबी उत्थे कर रही सी। मनो भी रात भी मैं आईबी दे नाल की गल कीती है, होम मिनिस्ट्री सीधी इन्वॉल्व थी, हजारों आदमी उनका सिक्योरिटी का वहां था और किसी तरह की पंजाब सरकार की कोई ज़्यादा वहां रोल नहीं था। लेकिन फिर भी अगर डिसीजन ये हुआ कि भाई रोड जाना है तो ये ज्वाइंट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन हुआ है, अगर रास्ते में आकर कोई बैठा है तो वो अचानक बैठा है आकर, पहले से नहीं था, इसलिए इसको अननेसेसरीली सिक्योरिटी के साथ जोड़ना, ये दिस इज एन एजिटेशन, इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना एक राजनीति हो सकती है, ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। अगर एक साल किसान दिल्ली में बैठ सकते हैं तो क्या वो प्रधानमंत्री जी को या होम मिनिस्टर को या मुझे या किसी और को खतरा था? वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था, यहाँ भी पीसफुल एजिटेशन था, रात हमने एजिटेशन उठाया था, अचानक कोई आकर बैठ गया तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा था। देखो रात यहाँ कैबिनेट मीटिंग थी, लगभग 9:30 बजे मैं यहाँ से निकला, मेरे घर से पहले एकदम 25-50 आदमी मेरी गाड़ी के आगे बैठ गए। मैंने ड्राइवर को बोला अभी पीछे लो गाड़ी, गाड़ी पीछे घुमाई, हम दूसरे रास्ते से घर अपने चले गए। अब मैं ये अगर रात को वही FIR कर देता कि जी ये तो मेरी जान पे पड़े थे, वो जान पे थोड़े पड़े थे यार, उनकी कोई प्रॉब्लम है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ था या ETD टीचर थे जो जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी या उनकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम थी। ऐसे ही एक किसान कोई अत्वादी नहीं थे, कोई गलत आदमी नहीं थे, ये हो सकता है कोई उनका अपनी प्रॉब्लम हो, इसमें इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना गलत है।